अजीब हो जाता है अगर हम बोले कि हम सिंगल करेंगे, डबल करेंगे, वो स्टोरी की डिमांड होती है। एक विलेन रिटर्न्स फिल्म के प्रमोशन के दौरान जॉन अब्राहम बीच में ही खड़े हुए और वहां से चले गए। फिल्म के प्रमोशन के लिए जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुथारिया और दिशा पाटनी जयपुर पहुंचे। यहां 22 मिनट के एक इवेंट में 18 से 19 मिनट तक ज्यादातर सवालों के जवाब अर्जुन कपूर ने ही दिए। बाकी के स्टार कास्ट ने केवल एक एक सवाल का शॉर्ट में जवाब दिया। मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल जो रोल होता है वो कॉमेडी का होता है। लोगों को रुलाना मेरे हिसाब से काफी आसान होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक कॉमेडी इज माय फेवरेट जॉनर। कहा, लेकिन वो इंसान समाज की आंखों में अपने चॉइसेस की वजह से कैसे विलेन बनता है, ये कहानी आई थिंक आपको वो इमोशन समझाएगी कि एक आदमी उस तरफ या एक औरत उस तरफ क्यों जाती है, क्या ऐसे हालात होते हैं और प्यार को लेकर। मेरा जो किरदार है शीज़ सिंगा, और जब से मैं 4 या 5 साल की थी तब से मेरी इच्छा रही है कि मैं खुद के लिए गाऊं, तो इस फिल्म में मैं एक्चुअली खुद के लिए गा रही हूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। वहीं इन सवालों के बीच जॉन अब्राहम बीच में ही खड़े हो गए और वहां से चले गए और दोनों एक्ट्रेस चुप बैठी रही। इस पूरे इवेंट में जॉन अब्राहम गुमसुम नजर आए। जयपुर से पहले दूसरे शहरों में भी आयोजित हुए प्रमोशनल इवेंट्स में जॉन शामिल नहीं हुए थे।